हेलो गाइस, याद है अभी कुछ वीडियोस हमने बनाई थी कि पाकिस्तान में सर्विस बैंड हो रही है गूगल की, और गवर्नमेंट ने उनके पैसे नहीं दिए थे गूगल को। तो जो गूगल था उसने कहा कि भाई मैं अपनी सर्विसेज नहीं दूंगा। ये बहुत बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुआ यहाँ पे ज़रा कुछ उल्टा। अब जो हम सोच रहे थे कि बंद हो जाएंगी सर्विसेज, सर्विस तो बंद नहीं हुई, लेकिन हुआ ये कि जो पैसे गवर्नमेंट को देने थे वो पैसे अब आवाम खुद भरेगी। जो जो प्ले स्टेशन की जो प्ले स्टोर की सॉरी से एप्स थी वो जो है अब पैसे खरीद के ली जाएंगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। मतलब कि कार्ड तो यहाँ पे बहुत कम यूज करते हैं, मतलब कई लोगों के पास तो खैर वो तो आगे गांव देहातों में तो क्या डेबिट कार्ड भी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो लोग भी यूज नहीं करते, इतना सिक्योर नहीं है। एंड्रॉयड की वजह से तो क्योंकि काफी मसले हैं डेबिट कार्ड यूज करने के अंदर के हैक हो जाता है, कई मसले आ जाते हैं। लेकिन बात यह ना कि गूगल ऐप के लिए कोई क्यों करेगा, यहाँ तो सॉफ्टवेयर के लिए तो एक पैसा खर्च नहीं करते। गेम के अंदर अगर कुछ बोनस चाहिए हो, कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ खरीदारी करनी हो, नहीं करते लोग, बहुत अवॉइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गूगल की कोई ऐप के लिए कोई ऐसा करेगा, खास खास ऐप्स के लिए कर लेंगे जो कि बहुत ही हैं, लेकिन वो उसका भी इंतजाम इन लोगों ने अब तक कर ही लिया होगा। तो खैर देखते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ है, खास खबर है बेसिकली जिसके ऊपर अब रिएक्ट करना है। तो खबर के अंदर क्या है वो जरा पता चलेगा, मैंने भी नहीं देखी ये वाली वीडियो, लेकिन पता है कि हो क्या रहा है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा खुलासा होगा, ये जीटीवी न्यू नेटवर्क एचडी की वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चलें इसको देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, गूगल एप्स बंद ना होने के हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। गूगल ने कैरियर पैड ऐप्स पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन अकाउंट के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन भी मुअत्तल किया गया है। सोहले अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सोहले, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, क्या वजह बनी गूगल ने ये इक़दाम उठाया? देखिए, ये हुकूमत ने गूगल को 3,40,00,000 की जो है वो अदायगी करनी है। अदायगी ना होने के बाद से गूगल ने ये पहले ही ऐलान किया था कि रकम 10 दिसंबर से पाकिस्तान में जो ऐप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पर वो बंद कर दिए जाएंगे। और जिसके बाद वफाकी वजारत खजाना प्लस आईटी ने इस पर एक्शन लेते हुए दावा किया था कि हम गूगल को जल्द एक प्रोसेस के तहत अदायगी कर देंगे और कोई ऐप बंद नहीं होंगी। मगर आज यानी कि 2 दिसंबर तक ये दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं, और गूगल ने अब बाकायदा जो कैरियर पेज ऐप्स हैं वो पाकिस्तान में मुअत्तल करना शुरू कर दी हैं। गूगल पर अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहें कैरियर पेड ऐप, तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करना होगी, उसके बगैर ऐप का डाउनलोड होना मुश्किल है। इस हवाले से गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मौजूद है। स्टेक बिंग ने इससे कबल बराह रास्त अदायगियों का निजाम मुअत्तल करने का फैसला किया था, जिसके बाद हुकूमत ने गूगल को 3,40,00,000 की जो अदायगी थी उसका जो मामला था वो आगे बढ़ाने के लिए जुबानी जमा खर्च जरूर किया, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमली इकदाम सामने नहीं आया। और एक माह के लिए गूगल को अदायगी करने का जो फैसला किया गया था उस पर हुकूमत की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन का हमें फुकदान नजर आ रहा है, और पाकिस्तान में जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर ऐप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हैं, और शहरियों को सिर्फ पेमेंट के जरिए या कुछ ऐप से डाउनलोड करने की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है जी, हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं, और गूगल ने कैरियर पेड ऐप्स पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन अकाउंट के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन भी मुअत्तल किया गया है। सोहले अब्बासी से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। गवर्नमेंट क्या तो कहीं से पैसे निकलवा लेती है, तो इनकी कहते शराफत है कि ये सामने सामने से पैसे ले रहे हैं, वरना पीछे पीछे से भी खिसका सकते हैं लोग पैसे। और सही है, जो होना था वो तो हो गया, कुछ ना कुछ बड़ा ही होना था, हमें अंदाजा तो था इस बात का। गवर्नमेंट तो अपने दावे कर रही थी, लेकिन सब प्रिपेयर थे कि अब कोई और बड़ी आफत आने वाली है। और वो यही थी कि बस चलो, अब ये है कि सोशल मीडिया से काफी लोग कट चुकेंगे, और क्योंकि लोग प्रिफर नहीं करते पे करना, ना फ्री है तो चलेगा, पेड है तो लगता है ऐसा है कि हम अपने जेब से कुछ भर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मंथली पे करने हैं, ये भी इतना सब्सक्रिप्शन होता है, तो काफी ऐसी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी, जैसे माइनक्राफ्ट गेम बता दिया उन्होंने, काफ़ी वैसा गेम था ये, मतलब ये बहुत मशहूर गेम है, बच्चे इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब ये मुस्तकिल आप खरीद रहे हैं उनसे, या फिर इसको आप मंथली पे करेंगे, इन चीज़ों का भी पता नहीं है, अभी जाके देखेंगे सिचुएशन क्या है गूगल पे के प्ले के ऊपर, क्या क्या हमारे पास, किस किस तरह से हमें क्या क्या मिल रहा है, और कुछ ब्लैक में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी तो है यहाँ पे चीज़ें। तो बहुत कुछ चलता रहता भाई, जो होना था वो तो हो गया नाजरीन, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते।
बस ये कि दुआ कीजिएगा कि यहाँ के लोगों को कुछ मिल सके, कुछ इमदाद मिल सके। हर चीज की देखें इमदाद है यहाँ पे, जो वहां से इमदाद मांग ली, यहाँ से इमदाद मांग ली, अब इसके लिए भी इमदाद चाहिए होगी, तो इमदाद इकट्ठी हो जाएगी तो उसको पे कर देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं भैया यहाँ पे, इसको कहते हैं करप्शन, और घंघोर करप्शन वो ये चीज कहलाती है। चलिए गाइस, रोने से धोने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई चीज बुरी लगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अब टेक केयर, बस मैं ये कह सकता हूँ, अभी तक मेरा दिमाग घूम रहा है इसके ऊपर क्या हुआ होगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि अब हमारे पास क्या बचा है और हम किस तरह से वो करेंगे, इसको कूअप करेंगे इस चीज को। चलेगा, टेक केयर।